हेलो गाइस वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाला है सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में जिसमें जिन जिन लोगों को रिजेक्शन आया है यानी कि जिनके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है उन सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि मैं आपको दो या तीन आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप उसका समाधान कर सकते हैं रिसबमिशन फॉर्म आपको करना होगा किस प्रकार से करेंगे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पोर्टल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है अटेंशन डिपोजिटर किसी कारण से आपका पेमेंट फेलियर हो चुका है या फिर आपका जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्शन ली गई है कम्युनिकेट किया गया है तो आपको री सबमिशन पोर्टल पर जाना होगा किस प्रकार से करेंगे देखिए यहाँ पर आपके सामने एक लिंक दी गई है चाहे तो आप इस लिंक से सहारा ले सकते हैं या फिर मैं देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिसबमिशन लॉग इन करना होगा रिसबमिशन लॉग इन करने के लिए सीआरए नंबर जो आपको स्लिप दी थी उसी स्लिप नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा यानी कि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो हमने डाल दिया है इसके बाद में जो ओ आपके पास आएगा उस ओ को यहाँ पर एंटर करना होगा एंड देन इसे यहाँ पर सबमिट कर देना राइट यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे कुछ समय का वेट होगा वेट करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखने को मिलेगा सारे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या क्या इसमें गाइडलाइन दी गई है यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने पूरी जानकारी एप्लीकेंट की आ जाएगी अब करना क्या रहेगा यहाँ पर आपके सामने इसे में लिखा हुआ है बैंक कौन सी आपकी सीडिंग है ये सब आपको प्रोसेस ध्यान लेना है इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट के कारण से आपका रिजेक्शन आया वो सब आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा ये सब मेंबरशिप है अकाउंट नंबर है ये सब आपको आपको यहां पर देख लेना है ये देखिए यहाँ पर आपका सामने बेनिफिशरीज जो लिखा हुआ है जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ तरीके से सोसाइटी हैज नॉट बीन अपलोडेड इमेज कॉपी प्रॉपर तरीके से मतलब आपने जो स्लिप अपलोड किया था वो स्लिप सही से अपलोड नहीं हो पाया था हो सकता है कि आपने कुछ स्लिप उसमें से छोड़ दिया गया था इसी कारण से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहां पर आपके सामने साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं अब इसमें करना क्या रहेगा मैं आपको तीन चार ऑप्शन बताऊंगा उनी चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं तो यहाँ पर ये यह टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है कि वापस से आपको रिसबमिशन करना है रिसबमिशन करने के बाद में आपके सामने अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम आपको एसएमएस के द्वारा आपको अलर्ट कर देंगे ठीक है तो ये तो आपके सामने मैसेज दिया गया पोर्टल की तरफ से लेकिन हमें क्या करना है वो किस प्रकार से करेंगे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टेटस तो यहाँ पर बेनिफिशरी वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ देखने को मिलेगा योर स्कैन कॉपी इज नॉट अपलोडेड प्रॉपर तरीके से ठीक है आपने जो प्रॉपर तरीके से स्कैन कॉपी है वो आपने अपलोड नहीं किया इसके कारण से आपको प्रॉब्लम हुआ ठीक है तो आप करना क्या रहेगा आपका पेन नंबर अगर अपलोड नहीं है तो पेन नंबर यहाँ पर डालेंगे पेन कार्ड आपको अपलोड करना होगा इसके बाद की प्रोसेस मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ से किस प्रकार से होगा तो यहां से हम अगर नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद तो ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर हम इसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे लेकिन करना क्या रहेगा वापस से देखिए लॉग इन करना होगा डिपोजिटल लॉग इन करते हैं तो आपको फोर डिजिट लास्ट फोर डिजिट आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा यहां पर देखेंगे आधार कार्ड मोबाइल सेलिंग के जो नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर इसे कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे राइट जैसे हमने यहाँ पर सबमिट किया तो वापस से हमें यही प्रोसेस देखने को मिल जाएगी कुल मिलाकर ये है कि तीनों प्रोसेस करने के बाद में भी आपको यहाँ पर ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को है कि कॉन्टेक्ट टू सोसाइटी या तो आप अपने सोसाइटी नजदीकी सोसाइटी अगर है तो उस सोसाइटी में जाकर के संपर्क कर सकते हैं अगर आप सोसाइटी में नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए भी समाधान दिया गया है पोर्टल पर मैं आपको तीन प्रोसेस दिखाने वाला हूं उन तीनों ही प्रोसेस में से जो आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस को आप कर लीजिएगा मैं आपको विधिवत तरीके से बताऊंगा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से करेंगे देखिए पहला ऑप्शन तो यह है कि आपको आपके सोसाइटी में जाकर के संपर्क करना होगा सोसाइटी में जाने के बाद में वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को फिजिकली आपको अपलोड करवाना होगा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पोर्टल पर भी ऑप्शन दिया गया है आप वहां से संपर्क कर सकते हैं कैसे करेंगे मैं आपको वीडियो में आगे सारी जानकारी बताऊंगा ठीक है और तीसरा ऑप्शन रहता है आपके जीमेल आई के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा मैंने लाइव प्रोसेसिंग बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद किया है प्रैक्टिकल उसके बाद ही आपको बताने जा रहा हूं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा जैसे आपका मेन पोर्टल आपके सामने इस प्रकार का है इस पर आप किसी भी प्रकार से अंदर यहाँ पर अलग से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस आपको करना होगा राइट सबसे पहले आपको जैसे मेन पोर्टल पर आ जाना है यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये सारे ऑप्शन मतलब यहाँ पर पोर्टल पर कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना होगा मैं खुद कर चुका हूँ उसके बाद ही आपको दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा सोसाइटी के टोल फ्री नंबर दिए गए इन टोल फ्री नंबर में से किसी को थोड़ा सा समय लगेगा तीन मिनट चार मिनट का समय लग सकता है किसी भी नंबर पर आप फोन लगाएंगे तो उसके बाद में वहां से आपका जो है कॉल आपको अटेंड किया जाएगा अटेंड करने के बाद में वो जो सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं वही सॉल्यूशन आपको करना रहेगा अगर सोसाइटी के नंबर पर आप कॉल करते हैं और आपका जो फॉर्म है वो लॉग इन करने के बाद उसे अगर अनलॉक कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं मतलब ये है कि अगर आपका फोन जैसे लगा है उसके बाद में आपका कॉल पर वहाँ से अनलॉक अगर आपकी एप्लीकेशन हो गई है तो एप्लीकेशन अनलॉक होने के बाद आप स्वयं अपने पोर्टल से ही अपलोड कर सकते हैं राइट अगर नहीं होता है ऐसा तो मैं आपको दूसरी प्रोसेस दिखाता हूँ अब सुनिएगा देखिए ये जी मेल हमको पोर्टल के द्वारा दी गई है इस जी मेल के ऊपर ही आपको संपर्क करना होगा यहां पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ठीक है ये आपका एप्लीकेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर सब आपके स्लिप्स में से आपको एंटर करना है इसके बाद सेंड कर देना है तो देखिए मैसेज क्या लिखा हुआ वो समझ लीजिएगा सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर हमने जो मैसेज टाइप किया ऐसा ही आपको टाइप कर लेना है वीडियो को पूज करके आप अच्छे से समझ लेना जो आपको प्रॉब्लम आई है जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है वो भी आपको यहाँ पर करना होगा और जो तीनों जो चार तीन चार पाँच जो भी आपके पास स्लिप है वो स्लिप आपको अपलोड करना होगा ठीक है तो यहां पर देखेंगे ये आपकी वेबसाइट रहेगी यहां पर इस वेबसाइट को नोट कर ये वाली वेबसाइट है इसी से इसी को ऊपर आपको मेल करना होगा मेल करने के लिए क्या रहेगा कि जो आपको मेन प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आपको यहां पर जो सब्जेक्ट में डाल देना है इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये सब्जेक्ट है देखिए मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम हमको सभी को आती है तो प्रॉब्लम यह आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल देना है यहाँ से उठाना आपको कैसे सर्वर के ऊपर से जो प्रॉब्लम आती है यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद वापस से आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना राइट यहाँ पर आपके सामने नीचे दिया गया डियर सर आई हैव टू अप्लाई सहारा क्लेम अप्लीकेशन बट आई हैव सम सम्यूड मतलब ये हमें प्रॉब्लम आई है और जो आपको लिखना है आपके अनुसार आप लिख सकते हैं या फिर मैंने जैसा इसमें लिखा है उसके अनुसार आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं एक बात का आपको ध्यान देना है ये सब जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर सारी प्रोसेस लिखने के बाद में यानी कि जो मैसेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जैसे क्लेम एप्लीकेशन नंबर आपके पास रहेगा ठीक है मेंबरशिप जो नंबर रहते हैं वो आपको स्लिप में से मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर आपको स्लिप में से मिल जाएगा थैंक यू सो मच ऐसा लिख करके आपको यहाँ से सेंड करना होगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके सामने इस वाले ऑप्शन में जा कर के जो भी आपकी स्लिप है उन सभी स्लिप को आपको ऐसे अपलोड कर देना है इसके बाद ही आपको यहाँ से सेंड करना है अगर आप यहाँ पर ऐसे सेंड करते हैं तो आपको दो या तीन दिन में आपको वापस से जिस जी से आप सेंड कर रहे हैं उस जी के ऊपर वापस से आपको यहाँ पर एक रिप्लाई मिलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसे हमने सोल्व कर दिया गया है इसके बाद में वापस से आपको पंद्रह दिन के बाद में जो आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस आपको चेक कर लेना है तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे।